हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज बना रहे हैं हम मैंगो केक, वो भी सूजी के साथ, और पूरा मैंगो का फ्रेश फ्लेवर होगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़्यादा देर क्यों करनी, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ पहले एक कप रवा। तो रवा यानी सूजी, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो इसे एक बार मिक्सी में पीस लें और बारीक कर लें। और उसमें मैंने 1/4 कप मिलाया है मैदा और आधा कप चीनी। तो चीनी आप पीस के एक बार मिक्सी में और फिर यूज़ करें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी एक चुटकी बस नमक डालेंगे। इससे बहुत आसानी से जो हमारा केक है ना, वो फूल भी जाएगा और एक टेस्ट भी बैलेंस रहेगा। तो पहले सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी है ना हमारे, उन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी मैंने लिया है 4 चम्मच या 1/4 कप आप इसमें घी डालिए। तेल की जगह अगर आप घी यूज़ करेंगे ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। और 1 कप पूरा भर के मैंने इसमें मैंगो का पल्प, यानी उसे मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, मैंगो जूस जो आप पल्प को ग्राइंड कर लेते हैं ना, उसको डालना है। और थोड़ा सा मैंने 1/4 के करीब पानी डाला है। और इसे ढक कर हमें कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। तो जब तक हमारा जो बैटर है ना, वो रेस्ट कर रहा है, हम फटाफट इसका जो टिन है वो ग्रीस कर लेते हैं। तो कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे स्टीम करना है। तो आप स्टील का कोई आपके पास बोल है या कोई प्लेट है, वो भी आप यूज़ कर सकते, थाली यूज़ कर सकते हैं। तो उसे हमें ग्रीस करना है और थोड़ा सा मैदा डालकर उसे डस्ट कर लेना है। इससे हमारा जो केक है ना, वो ठंडा होने के बाद आसानी से निकल आएगा। अब 20 मिनट हो गए हैं और देखिए सूजी ने पूरा जो भी पानी था ना, वो सोख लिया है, जो भी हमने इसमें यूज़ किया था। और ये एकदम थिक सा बैटर हो गया है हमारा। तो इसमें हम 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो पानी जो है ना, वो हल्का गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/4 कप पानी हम इसमें और डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको जो रेस्ट करने का प्रोसेस है ना, ये ज़रूर करिएगा, वरना आपका जो केक है ना, वो बिखरा बिखरा बनेगा। तो आपको इसे कम से कम 20 से 25 मिनट जो है वो रेस्ट ज़रूर करवाना है। और अब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है, 1/4 यानी 2 बूंद के करीब बस डालना है वनीला एसेंस। इसकी जगह आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। तो आप चाहें तो या 1 सैशे इनो का डाल सकते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो हमने टिन अपना जो ग्रीस करके और डस्ट करके रखा था ना, उसमें हमें ये सारा बैटर जो है वो पलट देना है। और इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और ये जो है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बिल्कुल फ्रेश मैंगो आजकल आ रहे हैं और उनकी प्योरी बनाइए और इसे यूज़ करिए। और ऊपर से आप चाहें तो टूटी फ्रूटी डालें या फिर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालें। तो मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, तो किशमिश, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है ना, वो थोड़े से ऊपर से डालिए। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और केक दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अब करीब 5 मिनट पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो कोई भी कढ़ाई आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें एक स्टैंड लगाएं और अपना जो टिन है ना, वो अपना जो कोई भी बर्तन आप यूज़ करें वो इसमें प्लेस करें और 20 से 25 मिनट तक इसे पकने दें। और 25 मिनट बाद चलिए इसे चेक कर लेते हैं, एक नाइफ़ की हेल्प से इसे चेक करेंगे। तो अगर नाइफ़ क्लीन आता है तो इसका मतलब हमारा केक जो है पक गया है। तो नाइफ़ अभी देखिए क्लीन नहीं है, तो 5 मिनट इसे और पका लीजिए, यानी टोटल आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। अब ये हमारा केक जो है ठंडा हो गया और नाइफ़ भी देखो क्लीन निकल कर आ रहा है, यानी केक बिल्कुल तैयार है। तो इसके साइड्स जो है ना, उसको हम अच्छे से पहले किसी नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा सा गैप बना लेंगे उसमें। तो आपको ठंडा होना ज़रूर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गरम गरम में इसे निकालने की कोशिश करी ना, तो ये बिखर सकता है। और इसे पलट लेंगे, देखिए कितना इजीली बिल्कुल बाहर आ गया है। और हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और मैंगो का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है इसमें। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ज़रूर पसंद आएगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना तो इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। फिर मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।